हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, WPS ऑफिस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है WPS ऑफिस में कैलक के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं एक एक्सेल जैसा आपको WPS ऑफिस के अंदर मिल जाता है। और यहां पर अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉई और बगल में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, तो यहां पर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉइज की एक लंबी लिस्ट मैं बनाऊं और उतनी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है। और यहां पर जाएंगे, ये देखिए वैलिडेशन दिया गया है। वैलिडेशन आपको मिलता है डाटा टैब में, ये आपको डाटा टैब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाइएगा और वैलिडेशन पे चले जाइएगा। जैसे ही जाते हैं तो यहाँ आएगा एनी वैल्यू, इसे बना लीजिएगा लिस्ट। अब हमको एक एक करके नाम यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे पहला नाम यहाँ पे सौरभ सिंह, तो यहाँ लिख देता हूं एस सौरभ सिंह, ये लिखा सौरभ एस ए यू आर ए बी एच सौरभ सिंह, ये पहला नाम हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाया, दूसरा नाम यहाँ पे लिखते हैं मोनू, तीसरा नाम सोनू, ठीक है। इसी तरीके से नामों की एक लंबी लिस्ट हमें बनानी है। तो ये युवराज, ये सुमित, ये अमित, तो कुछ इस तरीके से करके हमें ये लंबी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। फिर यहां पर के, यहां पे कुंदन, यहां पे महेश, यहां पे गौरव, यहां पे वर्तिका, यहां पे सुनीता, अनिल, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हमने एंटर करवा लिए हैं, ठीक है। अब और भी कुछ नाम एंटर कर लेते हैं, जैसे लोकेश, हिना, सोहन। ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा दे लीजिएगा। कॉमा नहीं देंगे तो ये ड्रॉप डाउन प्रॉपरली शो नहीं करेगा, दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको नजर आएगी। और ये ड्रॉप डाउन देख सकते हैं काफी लंबी है। तो यहाँ पर अब आप नेम यहाँ से चूज कर सकते हैं सीधा सीधा मोनू, यहाँ पर देखिए, फिर इस तरीके से करके आप नेम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी रेंज होगी, अच्छा इस रेंज को अगर बढ़ाना भी है तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, या घटाना है तो घटा सकते हैं। दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे वैलिडेशन पे जाएंगे और इसी नेम को अप्लाई दीज और सेम सेटिंग के साथ इसको इस पर अप्लाई कर देंगे तो यहीं तक ये रहेगा, ठीक है। देखिए लास्ट नेम यहाँ तक आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी मैंने ये कर दिया है, देख सकते हैं डिपार्टमेंट भी आ गया है, एम्प्लॉई नेम ऑफ एम्प्लॉई भी आ गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो दिखेगा अगर बनेगा डिपेंडेबल ड्रॉपडाउन WPS में, तो ये दिखेगा कैसे वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर वो काम मैंने कर दिया है, मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ ये हुआ कैसे। यहाँ पे सौरभ सिंह जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर नीचे जब आते हैं तो ड्रॉपडाउन में आपको सेल्स दिखता है, मैनेजर नहीं दिखता है, ये मैनेजर हट चुका है, ठीक है। तो सौरभ सिंह सेल्स वाले हैं कि नहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली शो भी हो रहा है कि सौरभ सिंह जस्ट बिलोंग टू सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट से ही ये बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, देखिए फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर दिया के, तो के किस डिपार्टमेंट के है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के, तो क्या के सेल्स ही के हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सेल्स डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया सुमित, तो सुमित किस डिपार्टमेंट से है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है मैनेजर है, तो सुमित का कहाँ पे है, तो ये देखिए ये मैनेजर है। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अब ये होगा कैसे वो समझिए। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, एक ड्रॉपडाउन आपको बनानी है। देखिए ड्रॉपडाउन कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ड्रॉपडाउन मैं यहीं पे बना लेता हूँ, यहाँ पे गए हम और यहाँ से जाएंगे डाटा टैब पर, और डाटा टैब पे जाके और यहाँ वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ वैलिडेशन से जाके लिस्ट कर लेंगे इसे, और लिस्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो है हेडिंग छोड़ करके बाकी सारा सेलेक्ट कर जाइएगा और यहाँ से ओके करिएगा। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन तो दिखाई पड़ने लगेगी। अब एक काम तो हो गया ड्रॉप डाउन बनाने का, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, फिल्टर का। तो यहाँ पे देखिए ये WPS ऑफिस की खासियत है, यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मूला आपको बना बनाया मिल जाता है। और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद ये एरे कह रहा है तो पहले सेलेक्ट करना है, ये जो सेल्स दिख रहा है ना ये सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ पे लगाइएगा कॉमा, फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हम बगल में इसके ठीक इसके बगल में हम वो दूसरी ड्रॉप डाउन बनाएंगे, यानी सेकेंड वाली यानी डिपार्टमेंट वाली। कैसे बनेगा दूसरा वाला ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन जो दिख रहा है यहाँ पे जाइएगा
और यहाँ पर वैलिडेशन नीचे मिल ही जाता है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको एनी वैल्यू मिलेगा, एनी वैल्यू में ये तमाम चीजें नजर आएंगी नीचे, एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, तो हमें यहाँ पे लिस्ट ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो ड्रॉपडाउन बनाया, ये वाला देखिएगा, ये वाला, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये सेलेक्ट करके और अब ओके कर देना है आपको। तो यहाँ पर आपको एक और ड्रॉपडाउन नजर आएगा जिसमें आपको सेल्स दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं नेम चेंज करता हूँ, सौरभ सिंह करता हूँ, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चेंज नजर आएगा। ठीक है, हालांकि सौरभ सिंह का डिपार्टमेंट जो है सेल्स ही है, तो इसके वजह से यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं नेम चेंज करता हूँ, मोनू कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट चेंज है। देखिए मैनेजर हो गया डिपार्टमेंट इनका। ठीक है, फिर जैसे ही मैं युवराज करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनका कैशियर डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर केके का क्या डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे केके जैसे ही किया हमने, तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप डिफरेंट शीट पे भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट शीट पे हम आ चुके हैं और हमारा डेटा कहाँ पे है, वो डिफरेंट शीट पे है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर एक ड्रॉपडाउन चाहिए हमें, तो ड्रॉपडाउन तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉपडाउन बनाते हैं, तो यहाँ से चलते हैं डेटा टैब पर और यहाँ पर आ जाते हैं पहले शीट नंबर 2 पर, और यहाँ से आ जाना है कहाँ पे, सीधा सीधा वैलिडेशन पे आना है और वैलिडेशन पे चले जाना है, और यहाँ से एनी वैल्यू को जो है नहीं चूज करना है, आपको लिस्ट चूज करना है, यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, और ये वाला डिपार्टमेंट जो है ये पूरा सेलेक्ट कर जाइएगा नेम, तो ये नेम हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई एक चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, फिल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाया फिल्टर, और ये फिल्टर काफी काम आपका आसान कर देता है। तो यहाँ पर ये WPS ऑफिस में मिल जाता है, नॉर्मल एक्सेल में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आना है वापस, और फिल्टर हमें किसे करना है, तो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल्स। ठीक है, ये सेलेक्ट किया पूरा, फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद ये जो बनाया ना, इसको सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैनेजर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब सीधा सीधा यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब पे जाने के बाद वैलिडेशन नजर ही आ रहा है आपको, यहाँ पर वैलिडेशन पे चले जाइए और वैलिडेशन पे जाकर के आपको लिस्ट इसे बना लेना है। ठीक है, अब लिस्ट बन गया तो काम हो गया आसान, आप मैनेजर को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और ओके कर दीजिए, काम हो गया आसान। अब यहाँ पे देखिए मोनू क्या है, मैनेजर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोनू से चेंज करता हूँ मैं, कुंदन कर देता हूँ, तो कुंदन क्या है, यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और एक बार चेक करना होगा कि कुंदन परचेस डिपार्टमेंट से ही है या नहीं, वरना मान लीजिए गलती हो जाएगी तो क्या करिएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, कुंदन नाम है ना, तो यहाँ पे देखिए ये कुंदन है और ये परचेस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये कुंदन जो है परचेस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है ना, ये आप किसी भी स्प्रेडशीट पे कर सकते हैं, मैंने आपको कल गूगल शीट पे दिखाया था, आज इस पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं फिर चेंज करता हूँ, महेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा तो महेश किस डिपार्टमेंट से है, तो मैनेजर है ये। ठीक है, अब ये मैनेजर है कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ये महेश है तो ये मैनेजर ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, फिर एक बार चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं ठीक से। तो यहाँ पर आए और अब हम यहाँ पे कर देते हैं युवराज, तो युवराज किस डिपार्टमेंट से है, तो ये कैशियर है। ठीक है, और कैशियर है कि नहीं है ये तो देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएंगे और युवराज देखिए ये क्या है, कैशियर ही तो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं युवराज का कैशियर ही आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे लगता है कि इन कंपैरिजन टू एक्सेल, ये WPS ऑफिस जो ये है एक्सेल वाली, एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत कोई पैसा नहीं देना है, सीधा सीधा नेट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसी को यूज कीजिए, अगर आप एक्सेल नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ ऑप्शन एक्सेल, और एक्सेल से ज्यादा बेटर आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।